हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सहित जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दीदी के घर से। ये मेरी मम्मा है, साथ में बैठ के हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। दीदी ने नाश्ता पानी बना दिया है। यहाँ पे कटहल की सब्जी और भिंडी की सब्जी बनी हुई है। तो चलिए नाश्ता करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। एक कम, बहुत कम बस। तो ये दोस्तों हमारा नाश्ता, चलिए नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे गौरी हो गई है रेडी स्कूल के लिए और अपना पानी भर रही है बॉटल में, जबकि एक हमने कॉपर वाटर में जो बॉटल है उसमें रखा था इसका पानी भर के, पर इसको उसमें पसंद नहीं आया। गौरव अच्छा नहीं लगता क्या वो बोतल है? आई गिरेगा गिरेगा आराम से आराम से, क्योंकि वो बॉटल थोड़ा भारी है ना, तो इसको ये प्लास्टिक की बोतल अच्छी लगती है। भर दिया उसने पूरा। तो गौरी हमारी रेडी होगी स्कूल के लिए, आज अपने स्कूल की एक पोएम सुनाएगी। सुनाओ गौरू, कोई भी पोएम सुना दो। आती है? आती है, सुनाओ। हाँ, टू लिटिल हैंड गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप, टू लिटिल आईज गो ओपन वाइड, टू वन लिटिल हेड साइड टू साइड। वेरी गुड। दोस्तों नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अभी मार्केट की तरफ को, थोड़ा सा कुछ काम है और मम्मी को अपनी दवाइयाँ भी लेनी है, तो हम लोग अभी बाजार जा रहे हैं। दीदी और छोटी बहन यानी कि पूजा गए हैं गौरी को छोड़ने के लिए स्कूल, तो हम लोग भी अभी जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी मार्केट में मिल जाएंगे, मतलब सब लोग फिर साथ में घर को आ जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर। तो मैं और मम्मी निकल चुके हैं रास्ते मतलब बाजार के लिए, और दीदी लोग तो स्कूल से ही हमें मिल जाएंगे बाजार में। तो मम्मी है, मम्मी हेलो कर दे। अभी थकी हुई है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ना बाजार को, तो यहाँ पैदल ही रास्ता होता है। तो चलते हैं मार्केट में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, अभी सुबह के 9:15 हो रखे थे, तो 9:30 हो गया होगा, हम बस पहुँचने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नंदा देवी मंदिर में। आप लोग पीछे देख रहे हो, ये नंदा देवी मंदिर है अल्मोड़ा का, और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। दीदी लोग थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं बाज़ार में, तो तब मैं और मम्मी आ गए बाजार। आप लोग देख रहे हो आज यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन बहुत अच्छी धूप आई हुई है। मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ, पूरे एपर से यहाँ पर पेंटिंग की हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके, और सुकून भी मिल रहा है क्योंकि आज भीड़ कम है ना, तो अच्छे से हमारे मैया रानी के दर्शन भी हो गए। हमने मैया को जो भेड़ थी वो भी चढ़ा दी, श्रृंगार पेटी वगैरह और बतासे वगैरह धूप वगैरह सब चढ़ा के आ गए हैं। अभी थोड़ा बस यहाँ पर घूम रहे हैं, दीदी उनका वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं घर। देखिए मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ नंदा देवी मंदिर का एरिया। फोटो खींचनी है, मम्मी की फोटो खींचते हैं। चलो एक देखिए पीछे साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ नंदा देवी मंदिर का पूरा मंदिर, कितना सुंदर प्रांगण है ये देखो। तो दोस्तों मैं पूरा दिखा रही हूँ, वहां बैठी हुई मम्मी। मंदिर से तो हम लोग आ गए हैं, अभी हम बाजार में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे ही दीदी लोग आए नहीं अभी, उनका भी वेट कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा ऐसे घूम लेते हैं। खड़े खड़े भी क्या ही करना है एक जगह पे। ठीक है, वैसे भी अल्मोड़ा का मार्केट में ऐसे तो है नहीं कि गाड़ी आएगी ये वो, और अच्छा लगता है। तो चलिए दिखाती हूँ कौन सी। हाँ अच्छी लग रही है देखो साड़ी, अभी सामने पिछोड़े। अरे लहंगा देखो कितना सुंदर है। वहाँ से नूडल्स वगैरह पता नहीं क्या शॉपिंग कर रहे हैं, और मिल चुके हैं हमको दीदी वो भी, तो यहाँ पे से सामान ले रहे हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग मार्केट से अपना काम निपटा के, और जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे पीछे मम्मी लोग सब लोग आ रहे हैं। हम आ गए बाजार से, और अभी बहुत गर्मी लग रही है धूप में। उतनी कहाँ लग रही है, हवा तो चल रही है। आज हमारा काम जल्दी निपट गया, तो हम फटाफट जाते हैं घर को। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ऊपर से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला एरिया, अभी देखना आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इस पेड़ का नाम पता नहीं क्या है, मोरपंखी बोलते हैं वैसे तो सब लोग। ये आगे सामने सुंदर सा बहुत पहाड़,
और इधर को देखिए यहाँ से अल्मोड़ा की मार्केट इस साइड से दिखती है। बाजार वाली साइड आपको यहाँ से नहीं दिखेगी, ये धारनौला वाली साइड दिखा रही मैं आपको, क्योंकि मेरी दीदी इसी साइड रहती है ना। आ जा आ जा, चलिए हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अभी दीदी बना रही है आम टॉक बना रही है आज, और चाउमीन बनाने वाली है दिन में, और हमारे लिए रोटी एंड मम्मी के लिए रोटी और दाल बनेगी। तो आज जीजू भी घर पे नहीं है खाने के लिए, तो यहाँ पे आ रही हाँ जी। तो हमारी दीदी भी ब्लॉगर है, तो कह रही है मुझसे भी मेरा भी वीडियो बना दो, तो मैं दोनों का बनाती हूँ साथ। ठीक है, हमारे पापा ने हमको सिखाई है। हाँ मैंने भी उन्हीं से सीख रखी है। अब इसको लगा देंगे थोड़ा पानी डाल के, इसमें भी गुड़ डाल दें, लेकिन मेरे पास गुड़ उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या डालोगे? तो मैं चीनी डालूंगी। ठीक है, इनको हम इसी में डालेंगे, ये नहीं पकता। दो मिर्च निकाल दें रोटी के साथ खाएंगे तो खाइए। हाँ कोई ज्यादा तामझाम के बिना, मतलब आपके पास जो भी नॉर्मल चीजें घर में आप बना सकते हो इन चाउमीन को। और मैंने इसमें केचप नहीं डाला है, क्योंकि वो ऊपर से डालेंगे हम। अच्छा ओके, ठीक है। तो यहाँ पे चाउमीन बनके रेडी हो गए दोस्तों। किस किसके मुंह में पता, आ जाओ जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को एक बार। ये देखिए टेस्टी चाउमीन बनके रेडी है दोस्तों। गौरव भी आ गई है स्कूल से हमारी, और आज गौरव के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। गौरव क्या बनाया है? चाउमीन बनाई है गौरव के लिए, गौरव की फेवरेट। और अभी रोटी भी खाएगी, फिर इसका चाउमीन वगैरह खाएगी, और खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने तो खा लिया है, दाल बनाई थी, दाल रोटी खा ली है, थोड़ा सा चाउमीन भी खाते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। डालो डालो थोड़ा और डालो। ओके दोस्तों, तो खाना पीना हमने खा लिया है, शाम का टाइम है, रात हो गई है, और खाना पीना हो चुका है सब। आज दीदी ने बहुत बनाई थी टेस्टी रोटी और आलू गोभी मिक्स वेज, और उसके साथ साथ बने थे आज आम टॉक बना रखा था, और जीजू ने बनाया था अपने स्पेशल पुलाव। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और खाना पीना खाने के बाद हम लोग अभी बस ऐसे बैठे हुए हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।